हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। इनविजिबल ब्रेसेस का खर्चा, अगर आप इनविजिबल ब्रेसेस और नॉर्मल ब्रेसेस का जो है कंपैरिजन करेंगे या तुलना करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो इनविजिबल अलाइनर्स हैं उनकी जो कीमत है, उनका जो खर्चा आता है वो थोड़ा ज़्यादा आता है। अभी आपको कैसे समझ आएगा कि डेंटिस्ट ने जो आपको खर्चा बताया है वो सही है या नहीं है, वो ज़्यादा है या कम है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इनविजिबल अलाइनर्स का कितना खर्चा आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले जानेंगे कि इनविजिबल ब्रेसेस होते क्या है। इनविजिबल ब्रेसेस जो हैं वो अलाइनर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट होती है, प्लास्टिक जैसी दिखाई देती है। जब वो हम अपने दांतों पर पहनते हैं तो वो दिखाई भी नहीं देती है कि हमने ऐसी कोई प्लेट जो है पहन रखी है। इसी को हम जो है इनविजिबल ब्रेसेस या अलाइनर्स कहते हैं। और ये किस तरह से काम करते हैं, ये अलाइनर्स जो है पुश करके या धक्का मार के एक दांत पर दूसरे दांत पर जो है दांतों के ऊपर धक्का मार के जो है ये काम करते हैं, और कितना किस दांत को कितना मूव करके ले जाना है इसी तरह से जो है इसकी मूवमेंट होती है। जो साधारण ब्रेसेस होते हैं उनके ऊपर जो है इस तरह के ब्रैकेट्स लगे होते हैं, और ये ब्रैकेट्स जो है वो वायर के थ्रू जो है वो लगे होते हैं। अब जो डेंटिस्ट होते हैं वो टाइम टू टाइम जो है आपके इन ब्रैकेट्स को टाइट करते हैं वायर्स के थ्रू, जिससे जो है आपको दांतों की जैसी मूवमेंट करानी हो वैसी मूवमेंट जो है वो करा सकते हैं। जबकि इनविजिबल अलाइनर्स जो होते हैं उनके अंदर इस तरह के कोई ब्रैकेट्स नहीं होते, कोई वायर नहीं होते हैं, और ना ही जो है डेंटिस्ट को उसको टाइट करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो है सिर्फ ट्रांसपेरेंट जो है शीट होती है जो दांतों के ऊपर जो है धक्का मार करके जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जहां हमें एक्चुअल अपना दांत चाहिए, जिस पोजीशन में चाहिए उस पोजीशन में। तो इस तरीके से जो है इनविजिबल अलाइनर्स काम करते हैं। इनविजिबल अलाइनर्स के अंदर सॉफ्टवेयर प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि डेंटल क्लिनिक के अंदर पहले आपकी जो ओरल कैविटी के अंदर जो दांत लगे हैं जितने भी, सभी का पुनचे के दांतों का जो है उसको स्कैन किया जाता है स्कैनर्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर प्लानिंग की जाती है कि किस दांत को कितना मूव करना है, कितने टाइम के अंदर मूव करना है, और ये दांतों को मूव करने के लिए कितनी प्लेट्स लगेंगी, कितना टाइम लगेगा, और कितनी बार डेंटिस्ट को आकर के जो है विजिट करनी पड़ेगी, और हमें दांतों को जो ऊपर ऊपर नीचे के दांत जो है उनका कितना बैलेंस बना करके रखना है, ताकि जब जो जिस जगह पे हमें चाहिए उस जगह पर जब दांत चले जाएं तो दिखने में तो सुंदर लगे ही, साथ ही साथ जब हम खाना खाएं तो खाना भी हम अच्छे से चबा सकें। इनविजिबल अलाइनर्स का खर्चा है काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम लगेगा दांतों को जो हमें एग्जैक्ट जगह पे चाहिए उस जगह पे मूव करने के लिए, एग्जैक्ट पोजीशन पर लाने के लिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमें कितनी सारी प्लेट्स चाहिए होंगी, इसी के ऊपर से जो है खर्चा जो है डिसाइड होता है। नंबर टू, डॉक्टर की कितनी विजिट्स होंगी। ऐसा नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर पर एक बार प्लानिंग कर दी, आपको जो है वो इनविजिबल अलाइनर्स की प्लेट्स दे दी, उसके बाद जो है डॉक्टर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है अपने आप ये सारा ट्रीटमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम कभी कभार जो है डेंटिस्ट की विजिट भी लेनी पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा डॉक्टर की विजिट होंगी उतना ज़्यादा खर्चा आता है। नंबर थ्री, कंपनी नेम। कंपनी कौन सी वाली कंपनी का अलाइनर्स आप यूज़ कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है कि इसका खर्चा कितना आएगा। इनविजिलाइन कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, इसी कंपनी ने जो है सबसे पहले इनविजिबल अलाइनर्स को जो है पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इनका ट्रीटमेंट जो है ट्रीटमेंट प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है इनका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। हालांकि मार्केट के अंदर इंडिया में भी काफ़ी, इंडिया में और काफ़ी और कंट्रीज में भी कई कंपनीज आ चुकी हैं जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वो सिर्फ इनविजिबल अलाइनर कंपनी के थ्रू ही अच्छे होते हैं। जो आपके नॉर्मल केसेस हो, जैसे कि दांतों के बीच का गैप जो है वो करना है, दांतों को आगे पीछे करना है थोड़ा बहुत, सारे जो ट्रीटमेंट हैं आप जो है और जो कंपनीज हैं उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। मैं आपको जो है लगभग समराइज करके बताती हूँ कि जब सॉफ्टवेयर के अंदर सारी प्लानिंग होती है, कितने जो हमारे दांतों को मूव करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर करना है, कितनी प्लेट्स चाहिए होंगी, कितनी बार डेंटिस्ट की विजिट होगी,
की सारी चीजें जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर प्लान की जाती हैं, उसके ऊपर से जो है खर्चा जो है सारा पहुंच करके लगभग आपको 50,000 भी आ सकता है, 2-3 लाख भी आ सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरे उस रिलेटिव ने या किसी फ्रेंड ने तो जो है कम में ये ट्रीटमेंट कराया था, तो आप तो मुझे बहुत ज्यादा बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जिस तरीके से मैंने सारी चीजें बनवाई, कंपनी का नेम, कितने टाइम के लिए चाहिए, कितनी बार डॉक्टर विजिट करेगा, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने सस्ता करवा लिया तो आपको सस्ते में हो जाएगा, या फिर उन्होंने महंगा करवाया था आपको सस्ता क्यों पड़ रहा है। सस्ता भी पड़ सकता है, महंगा भी पड़ सकता है इनविजिबल अलाइनर से। डिपेंड करता है आपकी सारी सारी की सारी कंडीशंस पे, कि दांतों की क्या पोजीशन है, कितना मूवमेंट करना है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए ये चाहिए, कितनी जो प्लेट्स लगेंगी, कितनी डेंटिस्ट की विजिट्स होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें जो है बताती हैं कि कितना खर्चा आएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कि कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें जो है कैलकुलेट की जाती हैं, कि आपका कितना केस जो है, आपका केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है उनका खर्चा और आपका खर्चा सेम आए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इनविजिबल अलाइनर्स का जो खर्चा या कॉस्ट है वो कैलकुलेट की जाती है, सारी चीजें किन किन चीजों पर डिपेंड करती हैं, कितना टाइम लगेगा, कितना मूव करना है दांतों को, कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हैं, कितनी डेंटिस्ट की विजिट हो रही है ये, और डेंटल क्लिनिक किस टाइप का है। ये सारी चीजें जो है वो आपके इनविजिबल अलाइनर्स की कॉस्ट को जो है वो बताती हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत ही पसंद आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी कभी जरूरत पड़े इनविजिबल अलाइनर्स की, तो उस टाइम पे आपको उनको पता रहे कि खर्चा कितना आता है, तो वो प्रिपेयर रहे उसके लिए। घबराए नहीं कि इतना ज्यादा आ गया या ऐसा आ गया, तो आप उन्हें भी इसे जरूर शेयर करें। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।